अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल। जवार ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं। जी आयानू सत बिस्मिल्लाह पखैर आगले। आज मैं आपके लिए दो जो है वीट थ्रेशर का रिव्यू लेकर आया हूं। एक है शरीफ की 2020 मॉडल और दूसरी है शफकत वीट थ्रेशर, ये 2013 मॉडल है। दोनों थ्रेशर जो आपको बैकग्राउंड पे नज़र आ रही होंगी और दोनों जो थ्रेशर हैं इनको सरगोधा में बनाया जाता है और दोनों पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर और नामवर कंपनीज़ के हैं, शरीफ और साथ में शफकत। ज़्यादातर लोग जो है शरीफ की थ्रेशर को हमारे एरिया में यूज़ करते हैं, बहरहाल शफकत की जो थ्रेशर हैं उनका भी मटीरियल अच्छा होता है, हमारे इलाके में काफ़ी सेल होती है। तो इन दोनों थ्रेशर की मैं रिव्यू करता हूँ और इनके आपको प्राइस बताऊँगा और साथ में आपको राबता नंबर बताया जाएगा। ये हमारे स्टॉक में दोनों थ्रेशर अवेलेबल हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने जवार ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के निशान को जरूर इंटर किया करें और नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट किया करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप लोग अपना ट्रैक्टर सेल करना चाहते हैं या अपना कोई थ्रेशर वगैरह सेल करना चाहते हो तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट जवार ट्रैक्टर्स डॉट कॉम और हमारी वेबसाइट पर अपनी एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाली किसी भी चीज़ का एड पोस्ट करें तो इंशाल्लाह आपका एड जो है लाखों जेन्युइन कस्टमर को दिखाया जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं शरीफ 2020 मॉडल थ्रेशर और शफकत 2013 मॉडल थ्रेशर का रिव्यू। पहली जो थ्रेशर है ये है शरीफ की, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि शरीफ वीट थ्रेशर 2020 मॉडल है। दो सीजन की गहाई तो इसके ऊपर ज़रूर हुई होगी और इस थ्रेशर के ऊपर आप जो है चने की गहाई कर सकते हो, मूँगी की गहाई कर सकते हो, गुआरे की गहाई कर सकते हो और गंदम की गहाई कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक थ्रेशर है और ये जो है डिलेक्स मॉडल है शरीफ का 2020 मॉडल। तो यहाँ पर हम फ्रंट से इसका जो है रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं शरीफ की थ्रेशर की मटेरियल की बात करूं तो मटेरियल की वजह से जो है शरीफ की थ्रेशर हमारे ज़िले बखर में लोग इसको काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं और सबसे ज़्यादा जो लोगों की लाइक करने की एक रीज़न है वो है इस थ्रेशर की परफॉर्मेंस की, ये ट्रैक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा जो है ओवर लोड नहीं डालती, ठीक है। तो इससे हमारे जो डीज़ल के खर्च हैं वो भी कम हो जाते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि डीज़ल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल ये आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, इसका वगैरह देख सकते हो, यहाँ पर ये जो इसमें हम हुक वगैरह डालते हैं ये एरिया आप देख सकते हो, लेंथ भी काफ़ी अच्छी है और इसके ऊपर मटेरियल भी आपको अच्छा नज़र आ रहा होगा। उसके बाद ये इसके तमाम जो है इसके वेट वगैरह जो है सामने से आप लोग देख सकते हो, इनकी कंडीशन भी जो है हमें परफेक्ट मिलने वाली है। उसके बाद ये नीचे से भी मैं जो है इसकी पूरी, उसके बाद हम नीचे से भी इसकी मुकम्मल कंडीशन वगैरह जो है देख लेते हैं। तो इसकी नीचे से कंडीशन अगर मैं मॉडल के हिसाब से बात करूं तो हमें जो है परफेक्ट मिलने वाली है। यहाँ पर ये इसमें जो बेल्ट वगैरह हैं ये इसके लगे हुए हैं, उतारे नहीं गए। बहरहाल ये इसकी फ्रंट थी और फ्रंट इसमें जो है हमें इसकी कंडीशन वगैरह ठीक मिली, मटेरियल वगैरह भी इसमें ठीक यूज़ किया गया। और उसके बाद जो है हम इसका ये अंदर से जाल वगैरह देख लेते हैं। सो आप लोग जो है अंदर से इसका पूरा ये जाल वगैरह देख सकते हो। यहाँ पर इसमें जो आपको कलर नज़र आ रहा है ये इसका जेन्युइन है, इसको आफ्टर मार्केट कलर नहीं किया गया, ठीक है। शरीफ वीट थ्रेशर 2020 मॉडल, ये अंदर से आप इसके कट्टर और जाल वगैरह देख सकते हो। उसके बाद जो है हम इस थ्रेशर का ये देख लेते हैं इसकी पूरी राइट साइड, तो राइट साइड नीचे से आप लोग जो है इसकी देख सकते हो। उसके बाद टायर वगैरह की कंडीशन इसकी ठीक है और यहाँ पर ये सारी आप बहरहाल इसका जो मटेरियल वगैरह है आप लोग देख सकते हो। इसके ऊपर कोई ज़्यादा जिस तरह होता है ना कि थ्रेशर को मिस यूज़ किया जाता है, उसकी सही केयर नहीं की जाती, तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसी तरह से जो है हम इसके जो है बैक साइड में चले जाते हैं तो बैक साइड से आप लोग जो है इसकी पूरी लुक देख सकते हो। इस थ्रेशर ये डिलेक्स मॉडल है, ठीक है। इसमें 104 कट्टर यूज़ किए गए हैं, ठीक है, 104 कट्टर जो हैं इसमें यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो इसकी जो होती है हमारी जो क्रॉप्स होती है जहाँ से निकलती है, यहाँ पर ये पूरा एरिया आप लोग इसका देख सकते हो। उसके बाद ये सारी इसकी जो मटेरियल है ये भी हमें काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पर ये इसकी बैक साइड में जो वेट वगैरह दिया गया है, तो बहरहाल ये इसकी जो है बैक साइड है। अब हम इसकी देख लेते हैं लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड से आप लोग जो है इसका मटेरियल वगैरह देख सकते, यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो कि जहाँ से जो है भूसा वगैरह निकलता है ये एरिया आप लोग देख सकते हो। इस तरफ भी अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये पूरा जो इसके ऊपर मटेरियल वगैरह लगाया गया अच्छा है। ये आप लोग जो इसके टायर की कंडीशन देख सकते हो, टायर कंडीशन भी इसकी ठीक है।
इसके ऊपर मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, चन्ना, मूंगफली अपना, उसके बाद जो है मूंगी, गंदम, ग्वारा, बाजरा वगैरह जो है आप लोग इसके इस पर गहाई उसकी कर सकते हो, ठीक है। बहरहाल इसका जो मटेरियल है, ये इसका 20 मॉडल है, लेकिन इसका मटेरियल जो है हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ये आप लोग देख सकते हो, इसका साइड में भी पूरा जो इसका मटेरियल वगैरह पड़ा है, साइड में इसकी जो कलर वगैरह है या जिसमें मटेरियल यूज़ किया गया है, वो इसमें हमें काफ़ी परफेक्ट मिलने वाला है। ये नीचे से भी आप सारे जो है इसकी मटेरियल वगैरह देख सकते हो, कलर इसके ऊपर जेन्युइन अवेलेबल है। और जिसके ऊपर लास्ट किसी भी क्रॉप्स की गाही की गई है, ये आप देख सकते हो, आपको जो है नज़र आ रहे होंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। इसकी जो प्राइस है ना इस थ्रेशर की, ये 7,50,000 रुपये है, ठीक है। 7,50,000 इस थ्रेशर की प्राइस है। और नंबर स्क्रीन के आगे आपको जो है नज़र आ रहा होगा, ये जो है ये थ्रेशर 2013 मॉडल है, शफकत जहर है, 2013 मॉडल है, तकरीबन 8-9 साल ओल्ड है। तो ये फ्रंट से जो है आप इस शफकत का सारा इसका मटेरियल वगैरह देख सकते हो, इसके ऊपर डस्ट वगैरह भी काफ़ी है। और इसकी आप लोग जो है ये फ्रंट वगैरह देख सकते हो, फ्रंट के ऊपर इसमें जो कलर वगैरह है, इसमें शायद अगेन इसको जो है रीपेंट वगैरह किया गया हो, ये तो अब मुझे कंफर्म नहीं हो रहा। थ्रेशर का असल तो मटेरियल देखा जाता है, बहरहाल इसमें मुझे मटेरियल वगैरह जो है वो ठीक नज़र आ रहा है। अगर मैं इस तरफ आपको दिखा सकूं नीचे की तरफ, तो ये नीचे सारा आप इसकी जो है ये चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद जो है ये इसके अंदर से आप लोग जो है इसके कटर वगैरह और इसका जाल वगैरह देख सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा जो है आपको वेल्ड कराना पड़ेगा अगर आप लोगे इसको, क्योंकि ओल्ड है तो थोड़े बहुत मसाइल होते रहते हैं। बाकी यहाँ पर ये साइड चादर वगैरह इसकी ठीक है। उसके बाद ये टायर, यहाँ पर एक पिन सा लगता है, अगर आप इसको रिमूव करोगे, जिसके टायर आप बाहर की तरफ भी निकाल सकते हो। बाकी ये भी ऑटोमेटिक है, जिस तरह होता है कि कुछ बेल्ट लगते हैं उस तरह ये नहीं होती, ये डायरेक्ट शाफ्ट के साथ चलती है ट्रैक्टर में, ये दरमियान वाली जगह। और ये सारी, बहरहाल आप लोग जो है इसका मटेरियल भी देख सकते हो। हम इसकी बैक साइड भी देख लेते हैं, तो बैक साइड से आप सारा इसका मटेरियल वगैरह देख सकते हो, बैक साइड में जिसके जो वेट वगैरह हैं, और साथ में जहाँ से ये हमारी क्रॉप्स बाहर की तरफ आती है, जिसको हमारी ज़बान में परनाला कहते हैं, आप लोगों का नहीं पता, बखर वाले इसको भाई परनाला बोलते हैं, ठीक है, इनको पुलियाँ बोलते हैं, ये वाली जो होती हैं। तो आप लोग आई थिंक जो है आपकी जो इलाके की ज़बान होगी उसमें पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं उसको। बहरहाल ये इसकी वो जगह है जहाँ से भूसा वगैरह बाहर निकलता है। ये अंदर से पूरा आप लोग जो है इसका मटेरियल वगैरह देख सकते हो, यहाँ पर भी इसका मटेरियल वगैरह आप लोग देख सकते हो। और ये जो है 2013 मॉडल, सो इसकी प्राइस है 4,00,000 रुपये, शफकत 2013 मॉडल, ठीक है। और यहाँ पर ये शफकत का आपको मोनोग्राम वगैरह भी नज़र आ रहा होगा, शफकत के ओरिजिनल इसके ऊपर अभी तक मोनोग्राम है। ये भी जो है सरगोधा में तैयार होती है, 2013 मॉडल वीड थ्रेशर, इसके अंदर आप गंदम और ग्वारा, मूंगी वगैरह की गाही कर सकते हो। 4,00,000 रुपए इसकी डिमांड है। ख़रीदने के लिए जो वीडियो के आगे आपको नंबर शोर है, आप लोग उस पर रब्ता करके ये थ्रेशर ख़रीद सकते हो। तो ये दो थ्रेशर थी, दोनों वीड थ्रेशर का जो है मैंने रिव्यू किया, आपको जो है इनकी कीमतें वगैरह बता दी। तो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आप इस तरह की थ्रेशर की वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट्स और लाइक से मुझे बताना, तो इंशाल्लाह जो है मैं ज़रूर जो है इनकी वीडियो बनाऊंगा। और आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक से मैं देखूँगा, तो एंड द इस तरह की वीडियो लेकर आता रहूँगा। आप अपने होस्ट ज़वार अमान को दीजिए इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखना बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज़।